सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगी कि चेहरे की झुर्रियां खत्म करने की, आप किस तरह से अपने चेहरे पर से झुर्रियां खत्म कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही आसान सी टिप बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे से झुर्रियां खत्म कर सकते हैं। झुर्रियां पड़ने के अमल को आमतौर पर ढलती हुई उम्र की अलामत तसव्वुर किया जाता है, लेकिन अक्सर देखने में आया है कि कुछ जवान लड़कियों के चेहरे पर भी ज्यादा झुर्रियां मौजूद होती हैं। जदीद साइंसी तहकीक की रूह से जिल्द में कम होती हुई नमी की अकासी करता है। आपकी स्किन में अगर नमी खत्म हो गई है तो उसकी वजह से आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ना शुरू होते हैं। इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो ज्यादा मिकदार में पानी पिए ताकि जिल्द को खुश्की से बचा सके। इसीलिए आज मैं आपको जिल्द को नरम और मुलायम रखने के लिए जबरदस्त नुस्खा लेकर आई हूँ। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत होगी उसमें आपको चाहिए विटामिन ई, उसके 2 कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल आपको चाहिए 2 अदद। दही आपको चाहिए 2 चम्मच, चाय के चम्मच 2 चाय के चम्मच, और शहद आपको चाहिए आधा चाय का चम्मच, और नींबू का रस भी आपको चाहिए होगा आधा चाय का चम्मच। मैं रिपीट करती हूँ, विटामिन ई कैप्सूल आपको लेने हैं आपने 2 अदद, दही आपने लेनी है 2 चाय के चम्मच जो कि छोटे चम्मच होते हैं, और शहद और नींबू आधा आधा चाय का चम्मच, छोटा वाला चम्मच लेकिन वो हाफ लेना है। फिर आपने क्या करना है कि इस कैप्सूल को हाली करके इसकी बीच में से ऑयल निकाल लेना है जो विटामिन ई के ऑयल में है, और इसमें बाकी तमाम चीजें भी आपने डालकर मिक्स कर लेनी है अच्छी तरह से, और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। फिर आपने रुई की मदद से इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाना है और 10 मिनट के लिए इसको लगा रहने देना है। इसके बाद आप ताजा पानी से अपना चेहरा धो लें। इस नुस्खे को आपने रोजाना इस्तेमाल करना है, इससे आपके झुर्रियां खत्म हो जाएंगी चेहरे की, और 10 दिन लगातार इस्तेमाल से आपका चेहरा नरम मुलायम और झुर्रियों से पाक हो जाएगा। क्योंकि विटामिन सी है, शहद है और दही है और नींबू का रस, ये सब चीजें हमारे स्किन में नमी पैदा करती हैं और हमारे स्किन जो बेरुखी और बेजान हो जाती है जिसकी वजह से झुर्रियां पड़ जाती हैं ड्राइनेस की वजह से, तो वो इस मास्क से हमें जो प्रॉपर नमी चाहिए हमारे स्किन को वो हमें वापस मिल जाएगी। सो आपने इस मास्क को रोजाना अपने चेहरे पर लगाना है और 10 दिन के लगातार इस्तेमाल से आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान और सस्ती सी टिप। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टोटका पसंद आया होगा और आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे और इससे फायदा उठाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करना मत भूलें, और मुझे अप्रिशिएट करते रहे, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहे, इस पर शेयर करना मत भूलें, और मुझे अपने दुआ में याद रखें। शुक्रिया। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच। अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो ऐसे लोगों के बारे में है जो कि कोई भी चीज या कोई भी नाइट क्रीम अपने चेहरे के ऊपर जब रात को लगाते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर पिंपल या एक्ने का मसला खत्म होने के बजाय उनके चेहरे के ऊपर दाने जो है मजीद निकल आते हैं। तो उनके लिए एक नाइट क्रीम बताने लगी हूँ। आपने एक तिब्बत क्रीम लेनी है, उस सारी क्रीम को आप किसी शीशे की जो